हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन कक्षा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा किस तरह से जो है स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, थोड़ा और प्रॉब्लम को हम आज समझें ताकि और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर हो जाए। तो देखो, आपके पास क्या होगा, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 चुना हमने, थोड़ा और क्लियर करते हैं। आपके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी होगी, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है जी। तो सिंपल है, देखो आपने इसको प्रूव करना स्टेटमेंट को फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, गिवन स्टेटमेंट को मान लेंगे पी ऑफ एन, ठीक है जी। उसके बाद सिंपल है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। ये फर्स्ट स्टेप है, जितने भी 20-25 वाले इसमें सब सवालों में लैंग्वेज हमने कहा सेम है, मेथड सेम है। फिर हम फॉर एन इज्क्वल टू वन के लिए इन दोनों साइडों को चेक करेंगे मैथमेटिकली। देखो हमने कहा था यहाँ कोई काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ जहाँ एन होगा ना वहीं पे भरा जाएगा, यहाँ कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखो एन, जब आप भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू, ये हो गया। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं, टू एक थ्री, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट साइड को देखो फटाफट, जब आपने यहाँ राइट साइड में भरा तो क्या हो गया, वन इंटू वन प्लस वन, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री अपॉन बटे में कितना है, फोर, ही राइट साइड है आपकी। तो तीन एक चार, चार तीन बारह, बारह दूने चौबीस, चौबीस को चार से डिवाइड किया तो कितना है सिक्स। देखो ये सिंपल है, अंदर एक जमा एक यहाँ दो हो जाएगा, इस ब्रैकेट से तीन मिलेगा, उस ब्रैकेट से चार मिलेगा, तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका आंसर 24 हो गया चार से। देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। यहाँ आपने मैथमेटिकल क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेंगे हम के, जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें आप सिंपल वन टू थ्री तो जो भी है वैसे के वैसा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ के भर दें, के इंटू के प्लस वन, के प्लस टू इज इक्वल टू, राइट साइड में भी वैसा ही जहाँ जहाँ एन है, ठीक है जी। इसको आप देंगे नाम नंबर ए। अब यही लैंग्वेज देखो नेक्स्ट सेम रहेगी, वी शैल नाउ प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, देखो आप यहाँ पे आपके पास यहाँ तक है आपका जो के पुट किया था, नेक्स्ट जो है ये लिख दिया आपने टर्म अपनी। यहाँ देखो एक चीज मैंने ऐड की है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे आप, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ये कहाँ से आया है। ऊपर जो आपने जब पी ऑफ के भरा था, यहाँ जहाँ जहाँ के है वहाँ क्या लिख देंगे, के प्लस वन। तो यहाँ क्या हो गया, के प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, के प्लस टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, के प्लस थ्री, क्योंकि जहाँ जहाँ के आपने लिखा वहाँ के प्लस वन हो गया। तो आपको कौन सी टर्म मिली, ये वाली, इस टर्म को आप लेफ्ट साइड भी जोड़ देंगे, ठीक है जी, और राइट साइड भी जोड़ देंगे। ऐसे अब आपको राइट साइड काम करना पड़ता बहुत सारा, लेकिन हमने क्या कि आप सिंपल जो है आफ्टर सॉल्विंग सीधा भी लिख सकते हैं, जहां जहां राइट साइड में देखो एन है, ठीक है जी, वहां क्या कर दिया, के प्लस वन, के प्लस वन, फिर आगे वन था, जहां के प्लस वन है आपके पास वहां क्या लगा देनी, आपने बार लगा देनी, क्योंकि के प्लस वन हमारे लिए क्या होगी, सिंगल टर्म होगी, ठीक है जी। तो ऐसे तो आपको बहुत सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ यहाँ आपने हमने आपको शॉर्टकट बताया, कुछ नहीं करना, राइट साइड में जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ के प्लस वन लिख देना, और उसके ऊपर क्या लगा देनी, बार लगा देनी, और उसके साथ जो वन टू थ्री जो भी अदर्स टर्म ऐड में होगी उनको अलग लिखना उनसे, ठीक है जी। लास्ट में भी आप क्या लिख देंगे, सिंपल, देयर फोर पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये लैंग्वेज आपने सबके लिए सेम है, देखिए पहले क्या भरेंगे, एन इज इक्वल टू वन मैथमेटिकल पोर्शन करना थोड़ा, फिर आप अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू, जहाँ जाए ने वहाँ के भर देंगे। यहाँ थोड़ा काम ने, यहाँ वैसे बहुत सारा काम है, लेकिन हमने काम आपका काट दिया राइट साइड का, लेफ्ट साइड में फिर भी आप थोड़ा लिखेंगे, जहाँ जा के होगा वहाँ के प्लस वन भर के, जो टर्म आपके पास आएगी नहीं उसको लेफ्ट साइड भी जोड़ देना, ऐसे उसको राइट साइड भी जोड़ना पड़ता है यहाँ। लेकिन राइट साइड जोड़ने पर आपको जो रिजल्ट है, जहाँ जहाँ के होगा वहाँ मिलेगा के प्लस वन, इसलिए हमने राइट साइड उसको जोड़ा ही नहीं है, सीधा जो है फाइनल रिजल्ट लिख दिया है, क्योंकि ऐसे भी आना, हर सवाल में ऐसे ही करना आपने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी थोड़ा आपने
इसको करने की कोशिश करनी है। अगर ये लास्ट वाला स्टेप नहीं आए, इसको हम एक बार फिर से अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।